फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैशटैग आरू रिहू। और अभी हम लोग हैं गाड़ी में, हम लोग बाहर जा रहे हैं। हिमांशु जस्ट ऑफिस से आए हैं अभी अभी, और आते ही हम लोग निकल गए हैं बाहर के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइटल थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमने लिया है अपना फ्लैट। ये थी गुड न्यूज़ जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अभी तक हम लोग रेंट पर रह रहे थे और अभी हमने अपना फ्लैट लिया है। तो खुद के फ्लैट की, खुद के घर की बात ही अलग होती है ना, तो एकदम एक अलग ही खुशी होती है। तो बस हम लोग वही देखने चले जाते हैं। हिमांशु जब भी ऑफिस से टाइम से थोड़ा भी आते हैं तो हम लोग फ्लैट पर चले जाते हैं। तो गाइस, अब हमें फ्लैट में जा रहे हैं और अभी हम अपने फ्लैट दिखाएंगे कि क्या क्या बनाए। तो ये देखिए गाइस, फ्लैट पर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये डोर ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी एकदम नया फ्लैट है, कोई इंटीरियर वर्क, कोई फर्नीचर, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन शायद जब तक मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर करूँ, इंटीरियर का काम शुरू हो चुका होगा। व्लॉग थोड़ा सा लेट जाएगा आप लोगों के पास। तो ये देखिए गाइस, ये यहाँ हॉल है और ये है यहाँ किचन। तो ये ओपन किचन है इधर, और अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक यूटिलिटी एरिया जहाँ पर हम वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं। बच्चे भी यहाँ घूम घूम कर देख रहे हैं कहाँ पर क्या बनने वाला है, कैसा फर्नीचर होने वाला है, इंटीरियर होने वाला है, ये सब। और ये देखिए, मैं आगे आपको दिखाती हूँ बालकनी। तो ये ड्राइंग रूम की यानी कि हॉल की बालकनी है। हमारा फ्लैट जो है वो गार्डन फेसिंग है, तो इधर देखिए सामने गार्डन नज़र आता है। मतलब अभी ये बनेगा, अभी ये नई सोसाइटी है, गार्डन अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, अभी पोजेशन मिलना भी स्टार्ट नहीं हुआ है इधर। और यहाँ बालकनी से ही क्लब हाउस भी नज़र आता है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये क्लब हाउस है और साथ में ये गार्डन है। और ये स्लाइड बंद कर देना बेटा इधर की। तो ये था अभी हॉल एंड किचन। और इधर ये एक वॉशरूम है, ये कॉमन वॉशरूम है, ये देखिए। ये क्या था, ऐसा लगा जैसे कुछ वो बजाओ स्पीकर। और इधर ये वॉश बेसिन के लिए एरिया दिया हुआ है। और अभी चलते हैं बेडरूम में। तो ये देखिए बेडरूम है इधर, और इसमें भी एक स्टैंडिंग बालकनी दी हुई है। और इधर से भी गार्डन क्लब हाउस सारा दिखाई देता है। तो ये बेडरूम है, ये किड्स रूम होने वाला है। और अभी चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये देखिए, ये है मास्टर बेडरूम इधर, और इसमें भी एक वॉशरूम है साइड में। और इसमें जो बालकनी है इधर से भी गार्डन और क्लब हाउस और साथ में सोसाइटी का मेन गेट भी दिखाई देता है इधर से। तो ये बालकनी अभी मुझसे खुल नहीं रही थी तो मैंने छोड़ दिया फिर, और आगे चलते हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ का वॉशरूम भी दिखा देती हूँ, बेडरूम का। वेट, ये अभी कुछ कुछ सामान पड़ा हुआ है जो यहाँ पर काम कर रहे थे उन लोगों का, ये बॉटल जो पड़ी हुई है। तो ये देखिए, ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है इधर। हम लोग इंटीरियर की भी बात कर चुके हैं, तो इंटीरियर का काम भी कल से बस स्टार्ट ही होने वाला है यहाँ पर। तो शायद ये ब्लॉग जब तक आपके पास आए तब तक इंटीरियर का काफ़ी काम ख़त्म हो चुका होगा। इंटीरियर का व्लॉग भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अब भी व्लॉग आगे बाकी है, बट आप लोग जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। तो देखिए, सब लोग इंस्पेक्शन करने में लगे हुए हैं, सारी चीज़ें ठीक है। और यहाँ पर फेस कैसा रेड रेड नज़र आ रहा है ना, यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। पूरे ही फ्लैट में ना हर जगह से इतनी अच्छी हवा आती है, सारी बालकनी से और इधर बहुत ही अच्छी हवा आती है। अभी अंधेरा भी होने लगा है, बाहर अंधेरा नहीं है, बिल्डिंग के अंदर अंधेरा लग रहा है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, बस देख लिया फ्लैट। ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं कभी कभी ना देखने के लिए, बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। ये देखिए, आज आरू जी ने ना एकदम मैचिंग पहना हुआ है। तो गाइज, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटीरियर वाली वीडियो में, बाय बाय। तो आपको कहाँ जाना है? ऑफिस। कौन से ऑफिस? मुझे
जो सोसाइटी का ऑफिस है ना, हम लोग जब बात करने वहाँ किसी काम से जाते हैं ना, तो उसको वहाँ अच्छा लगता है, तो ये वही जिद कर रही है कि मुझे वहीं जाना।